नमस्कार, मैं हूं ऋतिका शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। बिपाशा बसु फिलहाल अपनी प्रेगनेंसी के चलते चर्चा में बनी हुई हैं। अक्सर उनके फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहे हैं। साथ ही लोग उन्हें ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं। इस बीच हाल ही में उनके पति और एक्टर करण सिंह ग्रोवर ने अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बिपाशा बसु की प्रेगनेंसी के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं, जिस बारे में जानकर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स के तरह तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक्टर करण सिंह ग्रोवर ने इस बारे में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया, जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ बिपाशा बसु के साथ मैटरनिटी फोटोशूट करवाया। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, यह असंख्य भावनाओं का मेल है, सब कुछ नया लेकिन किसी तरह परिचित, ऐसा परिचित जैसे मैंने पहले ऐसा किया है, लेकिन इससे भी ज्यादा मैंने इसे अपने सबसे कीमती सबसे खूबसूरत सपने में महसूस किया है, जैसे लगभग मेरे डीएनए में है। एक भावना इतनी तेज है जिसे मैं बाहर नहीं लेकर आया कि मुझे डर था कि मैं कुछ कर बैठूंगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जब हमें पता चला कि बिपाशा प्रेग्नेंट है और हमें एक नन्हा बच्चा मिलने वाला है, हमारा एक छोटा सा वर्जन, एक नन्हा नन्हा बंदर जिसका मुझे डर था, वो हो गया। मैंने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि भावना इतनी तेज होगी। मैं इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया और निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे मैं कंट्रोल कर सकता था। तब से हर मिनट ठीक वैसा ही एहसास हो रहा है। सपने में हर एक कदम पर वो महसूस हो रहा है जो एक औरत इस दौरान करती है। अनंत, अनकही, अव्यक्त और कभी कभी किसी का ध्यान ना आने वाली कठिनाइयां, ये सिर्फ मेरे लिए सबसे सही व्याख्या है कि बिना शर्त प्यार क्या है, भगवान क्या है और निर्माता क्या है। मैं इन महीनों की उथल पुथल के बीच खुद को यह सोच कर पकड़ लेता हूँ कि हम सब इस बारे में हर समय बात कैसे नहीं करते हैं। मैं खुद को लगातार बदल रहा हूँ, लगातार ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीजों को कैसे बेहतर बनाया जाए और खुद को बेहतर कैसे बनाया जाए। मैं इस सफर का साक्षी बनने के लिए कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ। मैं इसे अपने हर दिन का हिस्सा बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं बस जो महसूस कर रहा था उसे शब्दों के जरिए जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। उनके इस पोस्ट पर अन्य लोगों ने तो प्रतिक्रिया दी ही दी। इसके साथ ही बिपाशा बसु ने ढेर सारे हार्ट वाले इमोजी शेयर किए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध है। जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।